किंग्स ऑर्गेनिक टमाटर केचप, धनबाद के किसानों द्वारा जैविक विधि से उत्पादित टमाटर का बिल्कुल शुद्ध उत्पाद है। टमाटर की खेती भी कृषि विशेषज्ञों के देखरेख में बिना किसी हानिकारक कीटनाशक के प्रयोग से की जाती है। कोपल किसानों के समृद्धि के साथ रखती है लोगों के सेहत का ख्याल। तभी तो कोपल कहता है, आप रखें किसानों का ख्याल और वो रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप, शुद्ध खाओ, स्वस्थ रहो। भूली सामाजिक संस्था नव संकल्प मंच भूली नगर धनबाद जैक बोर्ड झारखंड 10वीं बोर्ड परीक्षा में अव्वल नंबर से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को सम्मानित करने का काम किए। इसी क्रम में नव संकल्प मंच के तत्वावधान में शिशु निकेतन विद्यालय आजाद नगर में जैक बोर्ड झारखंड 10वीं बोर्ड परीक्षा में अव्वल नंबर से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का सम्मान समारोह सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता नव संकल्प मंच के अध्यक्ष संतोष सिंह, संचालन मानस रंजन पाल और धन्यवाद ज्ञापन जितेंद्र कुमार ने किया। नव संकल्प मंच के संरक्षक नीलूकांत सिन्हा और राजू प्रसाद हाड़ी उपस्थित हुए। कार्यक्रम की तैयारी शिशु निकेतन विद्यालय आजाद नगर प्राचार्य सुनील कुमार मिश्रा ने किया और अव्वल नंबर से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची नव संकल्प मंच को सौंपने का काम किया। कार्यक्रम में नव संकल्प मंच के कोषाध्यक्ष मानस रंजन पाल, कोषाध्यक्ष ब्रजेश सिंह, उप सचिव ब्रजेश सिंह, अंकेक्षक प्रवीण सिंह, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष पंकज सिंह मुख्य रूप से उपस्थित हुए। सम्मानित होने वालों में प्रिया कुमारी 92.8%, स्नेहा कुमारी 89.2%, राहुल कुमार 87.4%, पूजा कुमारी 84.8%, नेहा कुमारी 79.4%, सुहाना प्रवीण 78.2%, अनिशा कुमारी 70.4%, नंदिनी कुमारी 69.2%, नेमत प्रवीण 69.2%, प्रियंका कुमारी 68.1%। सभी सम्मानित विद्यार्थीगणों को मेडल, माला, कलम, गुलाब देकर और लड्डू खिलाकर शुभकामनाएं देने का काम किया गया। नव संकल्प मंच के संरक्षक नीलूकांत सिन्हा ने विद्यार्थीगणों के उज्जवल भविष्य की कामना की। नव संकल्प के पूरे टीम संतोष सिंह जी के अगुवाई में शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे विद्यालयों में जहाँ ऐसे समाज में जहाँ की दबे कुचले लोग हैं और उस जगह स्थापित छोटे छोटे विद्यालयों में मेघावी छात्रों को सम्मानित करके उनको प्रोत्साहित करने का काम नव संकल्प कर रही है और सभी जगहों पर जाकर के शिक्षा का एक प्रचार प्रसार भी कर रही है। इनका एक पहला मकसद है, ऐसे तो अनंत है इनके समाज का या फिर सांस्कृतिक मंच का अनेक कार्यक्रम है, लेकिन अभी इन्होंने शिक्षा के को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में और सबसे ये तारीफ की बात है कि ऐसे विद्यालयों का चयन किया इन्होंने जो समाज में या जो पूरे नगर में उनका कोई नाम नहीं था, उनको उजागर करने का, उनके बच्चों को सामने लाने का काम कर रही है। इसके लिए नव संकल्प के पूरे टीम को मैं बधाई देता हूं और ये एक अच्छी जागरूकता अभियान है, ये एक समाज का ही काम है, यहाँ के बच्चों के भविष्य का काम है जो ये कर रहे हैं। मंच के सचिव जितेंद्र कुमार ने कहा कि समाज में शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार कर शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना मंच का उद्देश्य है, साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को मदद करना भी मंच का काम है। सामाजिक संस्था नव संकल्प मंच निश्चित रूप से उन गरीब बच्चों के लिए हम लोगों ने प्रभावी रणनीति बनाई है। अध्यक्ष नव संकल्प मंच के संतोष सिंह की अगुवाई में संरक्षक श्री नीलूकांत सिन्हा जी और राजू प्रसाद हाड़ी, सरजू सिंह और हमारी पूरी टीम के साथ हमने ऐसी सोच जरूर सोची है कि वैसे ज़रूरतमंद बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग सहयोग प्रदान करेंगे, पठन पाठन कार्य में जो भी सामग्री होगा वो उपलब्ध कराएंगे, साथ में आर्थिक मदद का भी हम लोगों ने रणनीति बनाई है और उन गरीब बच्चों के घर तक जा करके हम उनको लोगों को सहयोग प्रदान करेंगे। वहीं शिशु निकेतन के प्राचार्य सुनील कुमार मिश्रा ने भी अच्छे मार्क्स से
पास हुए सभी बच्चों को उज्ज्वल भविष्य की कामना की एवं बधाई दी है। आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि भूली की एक अग्रसर सामाजिक संस्था नव संकल्प जो छोटे तबके के विद्यालयों के बच्चों को सम्मानित करने का जो संकल्प उठाया है और लगातार ये बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए मैं संकल्प के सभी अधिकारी पदाधिकारीगण सदस्यगण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं उन बच्चों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने अच्छे प्रयास से अच्छे अंक प्राप्त करके आज इस तरह के कार्यक्रम को विद्यालय में आयोजित होने का अवसर प्रदान किया है। और मैं आगे बच्चों का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, हमारे बच्चे आगे से आगे बढ़े, यही मेरी कामना है। और हमारे विद्यालय का एक संकल्प है कि जितने भी गरीब तबके के बच्चे हैं जिनको भी पढ़ाई की ज़रूरत है उनको शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा, चाहे किसी तरह से भी हो उनको हम आगे बढ़ाएंगे और समाज के मुख्य धारा में उनको जोड़ने का काम करेंगे।